के डांगी पार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोद कर की हत्या। एसपी सिटी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें की गई हैं गठित, घटना का जल्द से जल्द किया जाएगा अनावरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा देश में जनसंख्या विस्फोट है चिंताजनक, देश के कई हिस्सों में मतांतरण की चल रही है, साजिश गंभीरता से विचार करके सरकार को बनानी चाहिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। यम द्वितीया के दिन गुरुवार को सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ किया पूजन अर्चन, सामूहिक रूप से की गई कलम दवात की विशेष पूजा, कहा सृष्टि के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखना है भगवान चित्रगुप्त का काम। लक्ष्मी और गणेश जी के स्थापित मूर्तियों का गुरुवार को किया गया विसर्जन, बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाघागाड़ा फोर लेन के पुल से श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का किया विसर्जन। एसपी सिटी ने कहा, बिना किसी घटना या समस्या के लोगों द्वारा किया जा रहा है मूर्तियों का विसर्जन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भैयादूज अन्नकूट का त्यौहार, बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने की गई कामना। और आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने राप्ती नदी स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण, कहा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमा कीचड़ को कराया जा रहा है साफ, ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार का ना करना पड़े दिक्कतों का सामना।